हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग्स है तो एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग्स को आप कैसे सेट कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं आपके फ़ोन में शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाते हैं जो फ़ोन की सेटिंग्स है आपके इस तरीके से ओपन हो जाएगी। जो आपके फ़ोन में एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग्स है तो एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग्स को आप कैसे सेट कर सकते हैं। तो सिंपल आपकी सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है एंड्रॉयड ऑटो। सर्च करके एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग्स आपको ओपन जाएगी, जिसको आप सेट कर सकते हैं। इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा एंड्रॉयड ऑटो का। यहाँ से कार को आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन से और साथ में ब्लूटूथ के जरिए भी कनेक्ट कर पाएंगे। और इसमें आप ऐप्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, सॉन्ग्स म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। इस तरीके से एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं। सर्चिंग सेटिंग पे जाते हैं और आपको ऑप्शंस नहीं मिलता था फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर भी एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग्स को सेट कर पाएंगे। जैसे फ़ोन के आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा ब्लूटूथ डिवाइस सेटिंग्स पे। ब्लूटूथ डिवाइस सेटिंग्स ओपन आएगी तो यहाँ से एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग्स ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से कनेक्ट एक आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और वायर के जरिए इसका यूज़ कर पाएंगे और ब्लूटूथ के जरिए भी एंड्रॉयड ऑटो कार ऑप्शंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप किसी भी कार डिवाइस से कनेक्ट करके अपने फ़ोन को इसको चला सकते हैं, उसमें कॉलिंग्स वगैरह का यूज़ करते हैं और म्यूजिक सॉन्ग्स वगैरह भी सुन सकते हैं। जिस तरीके से एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर, तो आपको वीडियो देखकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। थैंक यू।